बाइक नंबर तीन में कोई भाई सवाल करना चाहें नॉन मुस्लिम भाई तो कर सकते हैं मेरा नाम महेश कदम है और मैं छिताक्राम डी सेक्टर से हूँ तो मेरे को ये सवाल पूछना है कि आज से छः महीने पहले की बात है मैं बहुत बीमार था और मैंने बहुत अपना इलाज कराया लेकिन मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो मेरे को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा करके ये बात को मैं बहुत सोच रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो एरिया में गोश खाने के लिए मनाइए तो थोड़े दिन के बाद मैं चिता कैम्प में आया चिता कैम्प में आने के बाद में मैं जो बचपन से जो खाता था वही चीज़ को मैं रिप्ले किया और मेरी हालत सुधर गई मेरा सोलह किलो वज़न कम था जो बाद में लेवल में आ गया तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपको ये सवाल मेरे लिए या गैर मुसलमान भाइयों के लिए नहीं है स्पेशली मेरे औरत के लिए ये इसके लिए क्योंकि इस वक्त वो आपको टीवी पे देख रही है मैं तो आज इस्लाम कबूल करने वाला हूँ तो मैं मेरी औरत को ये बताना चाहता हूँ कि आपका मैं एक बार पहले लेक्चर में सुना था कि इंसान का जो ये जो होता है वो दांत की जो रचना की गई है वो गोश्त खाने के लिए भी है और मेरे दोस्त लोग ने अभी बोला मेरे को कि दो दिन पहले आपके लेक्चर में आपने बोला था इस्लाम हमको ये नहीं बोलता कि गोश ही खाओ तुम समझे आप परसों के दिन में मेरे शायद बोले थे कि गोश्त महंगा हुआ है आप सब्ज़ी भी खा सकते हो तो, तो मेरे को ये बोलना है मैं इससे छुप छुप के गोश्त खाता हूँ जो मेरे को खाना ही है हर हाल में क्योंकि वही मेरी बॉडी के साथ लेवल करता है तो हाँ क्योंकि मैं वैसा बचपन से मैं हूँ वैसा ही लेकिन मेरी औरत हैंडी है मेरी औरत और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस्लाम धर्म ले आपकी बात सुन के अच्छा दूसरी बात ये है कि उसको ये बोलिए आप कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हो तो आपको गोश्त खाना कोई ज़रूरी नहीं मैंने तो अभी तक कभी ज़बरदस्ती किया नहीं है और आगे भी करूँगा मैंने तो मेरा सवाल जरा ज्यादा तो नहीं हो रहा समझ गया, हूं मैं, समझ गया भाई साहब समझ गया ज्यादा है लेकिन समझ गया हूं। मुझे आदत है लोग से सवाल सुनने की और जितना कठिन सवाल उतना मुझे मजा आता है बिल्कुल भाई साहब ने कहा कि वो ऐसे इलाके में रहते थे गोश्त लोग नहीं खाते थे गोश्त नहीं खाने की वजह से बीमार हो गए फिर चीता का मैं चीता खाने की वजह से नहीं सर एक्चुअली मैं दूसरी चीज की वजह से वीक हो गया था लेकिन जो मेरी खुराक थी वो मेरे को नहीं मिल रही थी हमें इनशाला जवाब को कंप्लीट करूंगा फिर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह मैं आपका सवाल समझ चुका हूं और सुन भी चुका हूं और मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूं हां बराबर मैं इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन के अलावा एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ भाई साहब बीमार हो चुके थे और गोश्त नहीं खाने की वजह से फिर से रिकवरी नहीं मिल रही थी जब चीत कैम में आया तो गोश्त खाने लगे और रिकवर हो गए और 16 किलो वज़न भी बढ़ गया उनका और उनको गोश्त खाने की आदत है बचपन से क्योंकि गोश्त के अंदर मेडिकल साइंस आज ये कहती है कम्प्लीट फूड है जिसम के अंदर अमाइनो एसिड की जरूरत लगती है तेईस अमाइनो एसिड की जिसमें से आठ अमाइनो एसिड जिसम में खुद पैदा नहीं होते उसे कहते इसेंशियल अमाइनो एसिड और ये खुराक में लेना अपने खाने में लेना जरूरी है कोई भी वेजिटेबल फूड में कंप्लीट प्रोटीन सारे आठ अमाइनो एसिड मौजूद ही नहीं है अब जब फ्लैश खाते गोश्त खाते इसमें आटो अमाइनो एसिड मौजूद है जो वेरी गुड प्रोटीन है पूरे जवाब के लिए इनशाला कल मेरी तकरीर है जिसमें मैं ये वादे तौर के ऊपर डिटेल में जवाब दूंगा लेकिन आपका मेन सवाल था आपका पहले सवाल का जवाब दूंगी और एक सवाल पूछना चाहते हैं आप चलेगा, चलेगा। सवाल एक दो बाद में कतार के पीछे फिर आप वापस आ सकते क्योंकि गैर मुस्लिम को मैं हिसाब एक के बदले दो दो के बदले तीन अभी तीन के बदले चार तो बाकी लोग बोलेंगे ना इंसाफी है वो ये मुस्लिम को ब्रेन हेमरेज हो गया था कल बोला मुझे मौका नहीं दे रहे वो हमारे आगे ही थे आपके आगे था देखो आपको मौका मिला उनको नहीं मिला ब्रेन हेमरेज तो न्यूरो सर्जन को बुलाने पड़ेगा जैसे मैं कह रहा था कि आप अब इस्लाम से इनशाला प्रसन्न हैं और आप कबूल करना चाहते आप साथ साथ ये कहना चाहते आपके बीवी से कि नॉनवेज खाना गोश्त खाना गलत नहीं इन आपकी बीवी से कहिए कि कल मेरा प्रोग्राम अभी लाइव टेलीकास्ट देख रही है कल भी ये वक्त देखिए सवा छः से ले कर दस बजे तक के इन जवाब आपको मिलेगा लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि गोश्त खाना मुसलमान के लिए फ़र्ज़ नहीं है किधर भी नहीं लिखे कुरान या हदीस में क्या मुसलमान को गोश्त खाना फ़र्ज़ है कई बार अगर, अगर आपका जिसम गोश्त को हजम नहीं कर सकता है, कई बार कुछ लोगों में तो उस टाइम गोश्त मत खाओ आम तौर पे इंसान हजम कर सकता है अगर आपको कुछ बीमारी है जिससे गोश्त की वजह से आपको तकलीफ़ होती है तो मत खाओ खाना फ़र्ज नहीं है लेकिन अक्सर आम इंसानों के लिए खाना अच्छी बात है जो चीज़ हर इंसान के लिए गलत है नुकसानदार है वो हराम है मिसाल के तौर पर शराब शराब अक्सर इंसानों के लिए नुकसानदार है गोश्त ऐसा नहीं है लेकिन आपकी बीवी को अगर गोश्त पसंद नहीं है और उसे गोश्त का टेस्ट पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगता वो बिल्कुल फिर भी अच्छी मुसलमान रह सकती है अगर मानते हैं कि खुदा एक है और बुतप्रस्ती नहीं करती है मेरी औरत ये समझती है कि अगर मैं मुसलमान बनता हूँ तो मैं कंपलसरी गोश खाऊंगा और उसको भी खिलाऊंगा। तो वो आप आप अपने तरीके से बताओगे तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा भाई को डर है क्या उसकी बीवी समझती है कि अगर ये भाई मुसलमान बन गए तो उसके लिए कंपलसरी और बीवी को खिलाना भी कंपलसरी उसके लिए भी कंपलसरी नहीं और बीवी को खिलाना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है और एक बात कहूंगा मैं भाई साहब आप ये कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम बनूंगा आप भी मुस्लिम बनेंगे तो मैं गोश्त खाना छोड़ दूंगा अगर आपकी बीवी इस्लाम कबूल करने को राजी है आपके गोश्त नहीं खाने की वजह से तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा दरख्वास्त करूंगा कि गोश्त खाना छोड़ दो इस्लाम कबूल करने के बाद आपकी बीवी अगर इस्लाम कबूल करती है तो दोनों को निजात मिलेंगी ये होता है सैक्रिफाइस करना बीवी के लिए बिल्कुल ऐसा ही कर जैसे कहा था कि एक सजदा जिसे तू समझता था गिरा है एक सिजदा जिसे तू समझता था गिरा है हजारों सिद्दे से देता है आदमी को निजात मतलब जिससे डर है आपके बीवी को कि वो इस्लाम कबूल करेंगे कबूल कर लेंगी तो इनशाला बाकी परेशानी से उसे निजात मिलेंगी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं बिल्कुल करना चाहते आप मानते खुदा एक है बिल्कुल एक है। आप मानते कि बुद गलत है बिल्कुल गलत आप मानते हैं मोहम्मद आखिरी पैगम्बर है हाँ आखिरी पैगम्बर आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए बिल्कुल नहीं कोई भी दबाव बिल्कुल नहीं आप दिल से करना चाहते हैं दिल से अपने आवाज मेंशो आवाज कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है नहीं इन मैं अरबी में कहूंगा आप उसे दोहराइए अशदु अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा अला वाह अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मद मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा अला अला कोई महबूद नहीं कोई महबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लाह वसल्लम अलाम वसल्लम उसके उसके पैगम्बर पैगम्बर और बंदे है बंदे है माशा आप मुसलमान बन चुके और मैं सर, दुआ करता हूँ आपकी परेशानी दूर करे और दुआ करता हूँ हाँ, हाँ सर मैं क्या बोल रहा हूँ लड़के का नाम सचिन है सचिन कदम है जी हाँ, मैं मेरा नाम साजिद रख रहा हूँ हाँ, लेकिन सर ने मेरा कदम ही रखूंगा क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ग्रेट इंसान थे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे और मेरे को उन्होंने वैसे ही जीने के लिए सिखाया वो बोलते थे कि ज़िंदगी में हमेशा स्टाइल से जीना चाहिए और ज़िंदगी का सच्चा स्टाइल दूसरों के लिए जीना चाहिए तो मैंने जब हैंडी मेरे औरत से शादी किया तो उसके बाद मैं बहुत तकलीफ के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारा हूँ मैं चाहता हूँ कि आज के बाद में मेरे जिंदगी में वापस तकलीफ़ नहीं आए मैं मुसलमान बन रहा हूँ तो इसके लिए सब मेरे मुसलमान भाई मेरे लिए दुआ करें इनशाला भाई साहब की दरख्वा में तकलीफ आए आपने कहा कि आपका नाम साजिद रखना चाहते अच्छा नाम है कदम आपका कदम आपका सरनेम इस्लाम में सरनेम बदलने की इजाज़त नहीं है क्योंकि सरनेम से पता चलता है आपके खानदान के बारे में तो, तो आपको सरनेम वही रखना जरूरी है अच्छा। आप बदलना चाहे तो भी मत बदलिए अच्छा आप अपना नाम बदल सकते हैं लेकिन सरनेम मन बदलिए मेरा मेरा जो लड़का है भाई साहब भाई साहब भाई साहब बाकी लोग आपके पीछे खड़े है हाँ। जी हाँ आप चाहते हैं आपके मुश्किल दूर हो तो दुआ करने के लिए कह रहा हूँ लोग से आप हाँ। सवाल पे सवाल करेंगे तो दुआ करने का टाइम ही नहीं देंगे ना बराबर बराबर की नहीं बोले, बोले। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके जिंदगी को आसान बनाए लेकिन ये नहीं कहूंगा कि तकलीफ ना आए ये कहूंगा कि जो आपके आखिरत के हक में हो अल्लाह तला आपको इतनी तकलीफ कभी भी नहीं देगा जो आप वो तकलीफ उठा ना सके कुरान मजीद में ताला में अल्लाह तला फरमाते सुर बकरा में सरा नंबर दो आयत नंबर टू हंड्रेड एटी सिक्स में कि अल्लाह सुबहाना तला कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता कि वो उठा ना सके अल्लाह तला का वादा है फिर भी हम दुआ करते या रब हमें इतनी तकलीफ ना दे जो हम बर्दाश्त ना कर सके क्योंकि हम अपने पैर पर पे कुल्हाड़ी मारते अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी मुश्किल नहीं देता इतनी तकलीफ़ नहीं देता जो उठा नहीं सकता लेकिन इंसान खुद अपने पैर पे खुलाड़ी मारते अपने आप को इतने तकलीफ़ में डाल देते कि उन्हें मुश्किल हो जाता है अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं देता जो वो न उठा सके मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अगर तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में है आप इन इस तकलीफ़ में सफलता पाएंगे और आखिरत में आपको इसका सवाब मिलेगा होप द आंसर दो क्वेश्चन माइक नंबर चार में पहुंचने से पहले मैं भाई से गुजारिश करूंगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया कि वो मराठी में कुरान डॉक्टर जाकिर नायक साहब के हाथ से ले लें